वेलकम टू चैनल पड़ोस वाला। आज एक खास जगह पे आया है क्योंकि हमारा श्रीलंका में सिर्फ एक जगह मिलता है ये जैसा चीज़ बनाने वाला। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, शायद आप लोग को दिखेगा नहीं दिखेगा। इस तरफ से हमारा ये समुंदर का अंदर से आप लोग को देख सकता है, क्योंकि पुराना श्रीलंका में ये जो मछली पकड़ने के लिए आदमी लोग गए, ये जो सेलिंग के साथ जो सेल के साथ जो आने वाला बोट में, अभी भी हमारा देश में सिर्फ एक ही जगह बचा हुआ है ये सेल के साथ, आप लोग को देख सकते हैं। और ये जो सेल लगा के ये जो फिशिंग में जाने वाला काम हमारा श्रीलंका अंकल अंदर सिर्फ यही जगह में होता है। आप लोग को पीछे तरफ से देख सकता है एक सेल बोट आ रहा है, और ये सुबह सुबह इधर से जा रहा है। सुबह सुबह इधर से जाके ये नॉर्मल 1:30 बजे से 4 बजे तक इधर से आ रहा है। कोई किसी को इधर आने का कुछ लोकेशन चाहिए तो मेरे को बता दिए, मैं लोकेशन भेज दूँगा, क्योंकि ये कोई जगह में देखने के लिए मिलता नहीं है। आप लोग को देख सकते हैं पूरा हवा के साथ ये हवा जो इस्तेमाल करके आगे आगे करके जा रहा है, क्योंकि ये लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डीजल पेट्रोल वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग का ट्रेडिशनल फिशिंग का मेथड है। और ये सिर्फ इधर ही देख सकते हैं, क्योंकि हमको भी श्रीलंकन को भी ये देखने के लिए इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि कोई किसी को पता नहीं है ये जैसा काम इधर होता ही नहीं। इस एरिया का हिस्ट्री का अंदर ये निगम्बो में एक बड़ा वाला एक पोर्ट था, हार्बर था। उस हार्बर से ज़्यादा को ज़्यादा दालचीनी नहीं तो सिनेमन हमारा देश से बहुत बाहर गया था, और वो सिनेमन लेने के लिए अरब, चाइनीज़, पर्सियन और दुनिया भर ट्रेडर्स इस एरिया में आया था। उसी समय ये सेलिंग सिस्टम था, और वो सेलिंग सिस्टम ये लोग अभी तक ये यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को पता है ना ये डीजल जो करोक्सीन नहीं तो पेट्रोल वगैरह से ये बोट चल रहा है, फिर भी ये लोग अभी भी ये अपना कल्चर आगे लेके आ रहा है। और हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा श्रीलंका में सिर्फ ये जगह है ये जैसा, और ये जैसा ये सेल बोट देख सकता है। और इस एरिया में एक जगह मिलता है कोच्चिकाडे नाम पर। ये कोच्चिकाडे का नाम ऐसा बन गया था क्योंकि बहुत पुराना समय ये केरला, इंडियन केरला पार्ट में बाहर से एक आक्रमण आया था। उसी समय ये केरला आदमी लोग वो लोग का अपना बोट से नहीं तो कोई बोट बना के इस एरिया में आके अपना अपना रेसिडेंट बनाया था। और उसी समय हमारा आदमी लोग ये लोग को पहचानने के लिए ये लोग को बोला था कोच्चि। शायद कोच्चि ऐसा बन गया होगा क्योंकि ये लोग कोचिन से आया होगा, ये कोचिन का वजह से ये लोग को कोच्चि बोल रहा है। जो वो लोग का कोई आया हुआ आदमी का जो कुछ मार्केट का वजह से उस जगह को हम बोलते हैं कोच्चिकाडे। कोच्चिकाडे का मतलब कोच्चि का दुकान, कोच्चिकाडे। ये जैसा ये इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इधर। और हम जाएगा उधर वो लोग बोट बनाने का जगह में, मैं आप लोग को दिखाऊंगा उधर कैसा चलता है उस एरिया। पता नहीं अभी तक काम चल रहा है कि नहीं, जाके देख लूँगा। ये सेल बोट का यार्ड है ये,
हम आया उधर आके, इधर एक भाई था उसी से पूछा ये काम चलता है कि नहीं। आजकल ये लोग का काम बंद है क्योंकि ये मटेरियल ढूंढने का मुश्किल है, क्योंकि आजकल थोड़ा फ्यूल का प्रॉब्लम चलता है ना हमारा देश में, उसका वजह से। ये मेरा पीछे तरफ से आप लोग देख सकते हैं ना, ये एक बोट है वो जैसा, और पूरा ये सेल है इसमें। ये सेल थोड़ा टाइट पड़ता है, पता ना ये लोग ये बनाने का तरीका तो बोलता ही नहीं है, ये लोग का कुछ सीक्रेट है, क्योंकि ये पुराना से आने वाला ये लोग का कल्चर है, इसलिए ये लोग बाहर नहीं देता है। और ये अभी तक ये लोग ये तरीका अभी तक यूज़ करके जा रहा है। एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा लग रहा है हमारा देश में, अभी तक ये कुछ जैसा ये एक खास चीज़ बचा हुआ है, क्योंकि अभी सब लोग ये नया टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, और ये डीजल है, फ्यूल है, नहीं तो ये लोग का बहुत कुछ अलग अलग तरीका है, फिर भी ये लोग का ये अपना कल्चर कभी भी छोड़ा नहीं है। ये निकम्बो, ये सेल बोट का कहानी है। और आगे से भी जैसा छोटा सा वीडियो देखना चाहता है तो, और श्रीलंका बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगे से भी हम आप लोग का पड़ोसी है। सलाम।